नेपल्स या जिसको इटालियन में नापोली कहते हैं, जो कि इटली के साउथ में वाक़ है और ये जो है इटालियन पेनिनसुला के वेस्ट कोस्ट के साथ लगता है। मेरा टूर नेपल्स में एक दिन का था, पर मैंने जो है मोस्टली फेमस साइट्स जो हैं इनकी वो मैंने देख ली थी, क्योंकि नेपल जो है वो थर्ड बिगेस्ट सिटी है इटली का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो सारी चीज़ें तो मैं एक दिन में नहीं देख पाया, पर मोस्टली जो इनकी फेमस साइट्स हैं वो मैंने एक दिन में विज़िट कर ली थी। तो रोम से नेपल्स तक का जो सफ़र है वो एक डेढ़ घंटे का है, और मैं बाई ट्रेन नहीं गया था, मैं गया था अपनी दोस्त के साथ जो कि लातीना में रहती हैं। हम लातीना से गए नेपल्स जो कि काफ़ी करीब है, तो हम अर्ली मॉर्निंग निकले बाय कार और हम जो है नेपल्स तकरीबन 30 मिनट्स to 45 मिनट्स में हम नेपल्स पहुंच चुके थे, और रास्ते में हमने जो है रुक के नेपल्स की कोस्ट लाइन भी देखी। तो भाई अभी मैं नेपल्स की कोस्ट लाइन पे खड़ा हूँ और मेरे पीछे ये सारा जो है ना सारी कोस्ट लाइन है नेपल्स की, समंदर ही समंदर है। तो नेपल पहुंचते साथ ही वी वेंट ऑन अ होल एडवेंचर ऑफ एक्सप्लोरेशन। हमने वहाँ की मार्केट, स्टॉल्स और वहाँ के सुवेनियर्स देखे। सुवेनियर्स के बारे में यहाँ पर नेपल्स में आपको रेड चिलीज काफ़ी देखने को मिलेंगी, जो कि एज अ साइन ऑफ गुड लक समझा जाता है। ट्रेडिशनल और कल्चर अपार्ट, मुझे नेपल्स को जनरली देख के कराची की याद आई, क्योंकि यहाँ की जो गलियाँ और आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, वो काफ़ी ऊंची हैं, गलियाँ काफ़ी तंग हैं और लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, और मुझे कराची से काफ़ी रिजेंबलेंस नज़र आई नेपल्स में। तो भाई नेपल में जो है इसके बारे में मशहूर है कि ये जो है ना दुनिया के सबसे ज़्यादा शहरों में से एक है, और अभी हम यहाँ इनकी मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, थोड़ा जो मेन इनके जो जगहें हैं वो देखेंगे, उसके बाद जो है फिर हम लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर हम इनका मेन सेंटर जो एरिया है वो देखेंगे, सिटी सेंटर, उसके बाद फिर हमारी खुशी होगी। पूरे इटली में मशहूर है नेपल्स, जिस वजह से वो है पिज़्ज़ा, और यहाँ आप अगर आएँ और पिज़्ज़ा ना खाएं तो फिर आपका यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई ये दुकान जो है ये बहुत फेमस है पिज़्ज़ा के लिए, और यहाँ पर रस्ते देख रहे हैं आप, अनफॉर्चुनेटली मुझे किस्मत से एक पिज़्ज़ा मिल गया है, और वाकई भाई टेस्ट तो है पिज़्ज़ा का, मानना पड़ेगा, ऐसे इतने लोग नहीं खड़े थे। सेंट्रल नेपल जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न नज़र आएगा, यहाँ पर आपको टॉल बिल्डिंग्स, मॉडर्न आर्किटेक्चर, उसके साथ साथ ब्रांडेड शॉप्स और आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड स्ट्रीट्स नज़र आएंगी। चलते फिरते आपको काफ़ी स्टैचूज़ नज़र आएंगे, जो कि एक मॉन्यूमेंट समझे जाते हैं यहाँ के हिस्ट्री में, आर्किटेक्चर में, और वो जो है आपको प्याजास पे काफ़ी नज़र आएंगे। प्याजास जो होते हैं वो राउंड अबाउट्स होते हैं, वो राउंड अबाउट्स में आपको जो है वो काफ़ी मॉन्यूमेंट्स और स्टैचूज़ नज़र आएंगे। चर्चेस का आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, और वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है 19 और 18 सेंचुरीज की आपको काफ़ी ज़्यादा रेलिक्स मिलेंगे वहाँ पे। और एज़ कम्पेयर टू रोम, यहाँ की चर्चेस थोड़ी मुझे बड़ी नज़र आई, और आपको जो है काफ़ी ज़्यादा रिजेंबलेंस नज़र आएगी यहाँ के कैथलिक चर्चेज में, जो एज़ कम्पेयर टू रोम बिल्कुल सिमिलर हैं, और यहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट और रेलिक्स जो हैं वो टोटली सिमिलर हैं, कोई उनमें कुछ चेंजेस नहीं है। तो भाई अभी हम चर्च देख के आए हैं, और काफ़ी सिमिलर थी जो हमने रोम में देखी है बेसिलिका, उससे काफ़ी सिमिलर थी, पर आर्किटेक्चर तो भाई कमाल है इनका, और अब जो चीज़ें देखें, जो भी चीज़ें देखी हैं वो बहुत कमाल की थी, और अंदर उनके ग्लासेस जो हैं पेंट ग्लासेस हैं, और जब उनके अंदर से लाइट आती है तो भाई बहुत कलरफुल सीन होता है।
और चूंकि नेपल्स जो है वो सी के साथ लगता है और यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात क्रूज शिप्स काफ़ी नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ से जो है नेपल्स के बेस है क्रूज शिप चलती हैं जो कि कैप्री तक जाती हैं और सिसिली तक जाती हैं। तो अगर आपने सिसिली और कैप्री जाना हो तो आप यहाँ नेपल के क्रूज से जा सकते हैं। तो भाई ये सामने चर्च है, म्यूज़ियम है, इसके सामने ही बिल्कुल कैसल है। ये है कैसल, ये इनका किला है। यहाँ पे इनके बादशाह जो हैं वो रहा करते थे, यहाँ इनकी हुकूमत थी। इसके पीछे ही जो है वो एक्टिव वॉल्केनो है और इसके पीछे पोर्ट है, वो आपको सामने क्रूज शिप भी नज़र आ रही होगी कैसल के पीछे। तो ये इनका कैसल है, उसके साथ पोर्ट लगता है। तो एक दिन में ऑलमोस्ट तकरीबन फेमस साइट्स देखने के बाद हम काफ़ी थक गए थे और उसके बाद हमने जो है वापसी का रास्ता पकड़ा। तो वहाँ से हमने ट्रैम ली, ट्रैम लेके हम सीधा वहाँ के मेट्रो स्टेशन पहुँचे और मेट्रो स्टेशन पहुँच के वहाँ से हमने रोम के लिए ट्रेन ली। तो भाई अभी हम ट्रेन स्टेशन पहुँच गए और अभी हम जो है वो रोम के जो है टिकट लेने लगे, रोम के टिकट लेके और फिर रोम की ट्रेन पकड़ेंगे। तो ये था मेरा नेपल्स का एडवेंचर। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए उम्र यार साहब।